गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमी इंसानों क्लास। टुडेज टॉपिक इज इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट एनालिसिस 3.2। इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट एनालिसिस एंड 3.2.1 रीजंस। Equipment replacement analysis को पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने डिस्कस किया था। अब आप किसी भी इसकी डिटेल स्टडी करें। किसी भी इक्विपमेंट को लगातार काम में लिया जाता है तथा उसकी आयु सामान्यतः कार्य अनुसार एवं समय अनुसार बढ़ती है। आयु एवं कार्यकारी लागत का बढ़ना लागत कोस्ट को बढ़ाता है। आयु एवं कार्यकारी लागत का बढ़ना लागत कोस्ट को बढ़ाता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट निम्न दो कारणों से बढ़ती है। पहला कारण है मेंटेनेंस कॉस्ट या अनुरक्षण लागत बढ़ने के कारण इसकी लगातार विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए। अगर मेंटेनेंस कॉस्ट की बढ़ती बढ़ने के कारण लेकिन इसकी लगातार लेबोरेटरी बनाने के लिए इसका मेंटेनेंस करना आवश्यक है। इसके लिए मेंटेनेंस कॉस्ट जो है इसकी बढ़ती है। अर्थात इक्विपमेंट की लगातार या सतत विश्वसनीयता प्राप्त करने हेतु इसकी मेंटेनेंस का कार्य करना पड़ता है जिससे इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती है। दूसरा नंबर आता है इक्विपमेंट के पुराने होने से या अप्रचलित होने से ऑब्सोलिएंस होने पर या ऑब्सोलीट होने पर लगातार कार्य करने के कारण ऑपरेटिंग कॉस्ट या कार्यकारी लागत जो है अधिक होती है। अगर इसे नए इक्विपमेंट से रिप्लेस नहीं किया जाता है तो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ती है। इस प्रकार निश्चित समय अवधि बिंदु पर इक्विपमेंट का उपयोग करते हुए नए इक्विपमेंट से रिप्लेस करना अधिक निर्णायक होता है या लाभप्रद होता है जिससे इसकी निर्गम या आउटपुट जो है उसकी विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी जो है बनी रहे और वो प्रॉफिटेबल रहे। किसी भी इंडस्ट्री में आर्थिक रूप से फाइनेंस का कंटिन्यूस रनिंग होना उसके इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट डिसीजन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अधिकार अदा करता है। कोई भी फर्म को तीन प्रकार के रिप्लेसमेंट या डिसीजन फेस करने होते हैं। अर्थात किसी भी इंडस्ट्री के अंदर इक्विपमेंट को रिप्लेसमेंट करने का जो निर्णय है वो अत्यंत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है या बहुत रोल अदा करता है क्योंकि इससे इकोनॉमी है वो रन होती है। पहला वी आर आउट होने के कारण कैपिटल इक्विपमेंट को रिप्लेस करना इक्विपमेंट के गिर जाने से कमज़ोर हो जाने के कारण उसकी इक्विपमेंट की को रिप्लेस करना होता है। दूसरा वी आर आउट होने के बाद पहला डिसीजन तो ये लिया जाता है कि कैपिटल
कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है उसको रिप्लेस करना होगा, दूसरा जो है एक्सपेंशन के लिए कैपिटल के रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। अगर हम इंडस्ट्री की बढ़ोतरी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सी पॉइंट आता है, पुरानी तकनीक होने के कारण नई तकनीकी के लिए रिप्लेसमेंट की आवश्यकता, जिससे इम्प्रूव्ड इक्विपमेंट की वजह से सस्ता उत्पाद तैयार हो सके। अर्थात पुरानी टेक्नोलॉजी होने से प्रोडक्ट की जो है प्रोडक्टिविटी जो है या प्रोडक्ट का जो है सस्तापन लाने के लिए इसको की गुड क्वालिटी जो है वो काम में ले जाती है। अर्थात ऑब्सोलीट इक्विपमेंट के कारण मिलने लगा था, ये पुराना हो गया या एफिशिएंट हो गया इसे इसका मिलने। चौथा पॉइंट जो है निर्णय लेने वाले के लिए, इसका निर्णय ब्रेक इवन एनालिसिस से किया जाता है। इसका निर्णय जो है ब्रेक इवन एनालिसिस से किया जाता है। अगला पॉइंट आता है, ये समय के साथ प्रत्येक इक्विपमेंट ऑब्सोलीट व ड्यूरेट होता है। समय के साथ प्रत्येक इक्विपमेंट जो ऑब्सोलीट भी होता है और ड्यूरेट भी होता है, अर्थात प्रचलित भी होता है उसका क्षरण भी होता है। इससे इक्विपमेंट की कार्य प्रणाली कमज़ोर पड़ती है। इसको ठीक करने के लिए अधिक कीमत पर इक्विपमेंट को खरीदना या रिप्लेस करना होता है। इस अवस्था पर निर्भर करता है कि अधिक पूंजी एवं कम अपूर्णता या अधिक अपूर्णता व कम पूंजी, दोनों में से आवश्यकता अनुसार चयन करने का निर्णय लेना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, रिप्लेसमेंट से अनुरक्षण कीमत मेंटेनेंस कॉस्ट तो कम होती है परंतु कुछ कैपिटल कॉस्ट पर होती है। अतः ये निर्णय तब लिया जाता है जब वर्तमान में उपलब्ध इक्विपमेंट की मेंटेनेंस कॉस्ट एवं कैपिटल कॉस्ट नए इक्विपमेंट की ऑपरेटिंग कॉस्ट एवं कैपिटल कॉस्ट के औसत से अधिक हो। अर्थात नए इक्विपमेंट की मेंटेनेंस कॉस्ट व कैपिटल कॉस्ट जो है मतलब कॉस्ट जो है तभी, दोबारा सुन लीजिए, इक्विपमेंट की मेंटेनेंस कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट जो है वो नए इक्विपमेंट की ऑपरेटिंग कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट, पुराने इक्विपमेंट की तो मेंटेनेंस कॉस्ट कैपिटल कॉस्ट, नए इक्विपमेंट की ऑपरेटिंग कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट, इन दोनों के औसत से अधिक है तभी ये निर्णय लेना पड़ता है, किया जाता है जब वर्तमान में उपलब्ध से अधिक ना हो। ये छह पॉइंट है जो निर्णय लेने के लिए बाध्य करता है। अब आता है रीजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट। उपस्करों के बदलाव करने हेतु मुख्य कारण निम्नानुसार, किसी भी इक्विपमेंट्स को चेंज करने के लिए रिप्लेस करने के लिए के मुख्य तीन कारण हैं। पहला कारण जो है डिटोरिएशन, खराब होना, स्थिति में गिरावट होना, पतन या ह्रास। जब भी मशीनों के द्वारा उत्पाद की गुणवत्ता में गिरावट होने लगे और मशीनों के घिसाव के कारण इसकी कार्यप्रणाली संतोषप्रद नहीं हो, या कम उत्पादन लगे या कम उत्पादन के कारण श्रमिक एवं मेंटेनेंस कॉस्ट में वृद्धि होने लगे, तो ये आवश्यक हो जाता है कि मशीन का बदलाव कर दिया जाना चाहिए। एक बार बाबा सुन लें, जब भी मशीनों के द्वारा
उत्पादित उत्पाद की गुणवत्ता में गिरावट आए, मतलब क्वालिटी कम हो और उसकी कार्य प्रणाली सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और लेबर कॉस्ट अगर अधिक आने लगे, तब उस अवस्था में ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि इसका रिप्लेस इक्विपमेंट को रिप्लेस करना ही चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है ऑब्सोलीसेंस। ऑब्सोलीसेंस का मतलब होता है अप्रचलन। जब कभी नए इक्विपमेंट बाज़ार में आते हैं तथा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कम लेबर, अधिक दक्षता, अधिक गुणवत्ता के साथ अधिक संख्या में कम समय लगाए, तो उपलब्ध इक्विपमेंट को मशीन को रिप्लेस किया जाता है। किस कारणों से? जब कभी नए इक्विपमेंट बाज़ार में आते हैं तो प्रोडक्ट तैयार करने के लिए कम लेबर लगे, अधिक एफिशिएंसी से काम करे, अधिक क्वालिटी प्राप्त हो और अधिक संख्या में कम समय लगे, एक्चुअल प्रोडक्शन में कम समय लगे, तो इस अवस्था में मौजूदा इक्विपमेंट्स को या मशीन को रिप्लेस किया जाता है। चाहे उपलब्ध मशीन इस अवस्था में चाहे उपलब्ध मशीन जो है उपस्थल की कार्य प्रणाली सेटिस्फैक्ट्री ही क्यों ना हो, लेकिन सामान्यतः ये अपेक्षित बना देता है कि नई मशीन के द्वारा उत्पादित उत्पादों का मूल्य सस्ता होगा। तो टाइम कम लगेगा, लेबर कम लगेगी है, अधिक एफिशिएंसी से काम करेगा, डेफिनेटली है प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। इस कारण से उनको रिड्यूस करना, चेंज करना अत्यंत आवश्यक है। जब कभी जब भी जब भी कस्टमर की मांग या क्वांटिटी की अधिकता हो, तीसरा पॉइंट आता है इनएडिक्वेसी। तीसरा पॉइंट आता है उत्पादों का मूल्य सस्ता होगा। तीसरी पॉइंट आता है इनएडिक्वेसी या अपर्याप्तता। जब भी कस्टमर की मांग, डिमांड या क्वांटिटी की अधिकता हो या प्रोडक्ट की डिज़ाइन में बदलाव हो, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध पुरानी मशीनें पूर्ण करने में अपर्याप्त हो, असमर्थ हो, तो मशीनों को नई मशीनों की मांग करनी चाहिए या मशीनों को रिप्लेस करना चाहिए या रिप्लेस किया जाता है। अर्थात जब भी कस्टमर की मांग या क्वांटिटी की अधिकता हो, तो प्रोडक्ट की डिज़ाइन में बदलाव हो, या प्रोडक्ट की डिज़ाइन बदलाव हो या डिमांड ज़्यादा हो, इन सभी आवश्यकता को नेसेसिटीज की आवश्यकता को पूर्ति के लिए पुरानी मशीन को पूर्ण करने में अपर्याप्त होती है या असमर्थ हो, तो मशीनों में को नई मशीन की मांग से रिप्लेस किया जाता है। ये तीन पॉइंट अत्यंत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। मशीनों को रिप्लेस करने के कारण अपन ने पढ़ लिए। धन्यवाद।